प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन को सभी के लिए फ्री कर दिया। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री एक और बड़ी बात कहने सामने आए थे। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से अप्रैल के आखिर तक केंद्र की देखरेख में वैक्सीन लगाने का काम हो रहा था। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन राज्यों की मांग पर इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। पर मई का दूसरा सप्ताह बीतते बीतते राज्य पहले की व्यवस्था को सही बताने लगे, जिसके बाद केंद्र ने एक बार फिर टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लिया। सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी? टीके पर हो रही राजनीति इस फैसले से रुकेगी या फिर और बढ़ेगी? 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ठीक शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 32 मिनट तक देश को संबोधित किया। ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार ही वैक्सीन का पूरा काम देखेगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से सवाल उठने लगे कि क्या राज्य सरकारें वैक्सीन के काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे पाई, जिसके नतीजे के तौर पर टीके पर ये सारी अफरा तफरी मची। एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि वैक्सीन का काम दोबारा केंद्र के हाथ में जाने से क्या होगा? क्या इससे अब वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी खत्म हो जाएगी, या फिर कोरोना के टीके पर हो रही राजनीति इससे और तेज होगी? ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि राज्य सरकारें और खासकर विपक्षी दलों की सरकारें वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र को दोष दे रही थी। दुनिया से 6 महीने पिछड़ गए हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन हम लोगों ने बनाई। हमारी जो कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, लेकिन समय पे हम लोगों ने प्लानिंग ना करके उसकी प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया। हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मास वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया जो दुनिया के दूसरे देशों ने बनाया। तो क्या विपक्ष के इन्हीं हमलों ने पीएम को ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? एक्सपर्ट के सामने इन सवालों को रखें। उससे पहले वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के 2 बड़े ऐलान जान लीजिए जिनका सीधा असर आप पर होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की। बताया कि राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का विकल्प जारी रहेगा, जहां अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेगा। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही
सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका सिर्फ नजर रखने भर की होगी, लेकिन सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसे सरकार के कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ और नहीं मानती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, एक आसान सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन फ्री है तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों लेंगे पैसे। 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदल कर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जुम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए। मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। वैक्सीन को लेकर सरकार विपक्ष के बीच मतभेद इतने ज्यादा हैं कि इस ताजा फैसले के लिए दिल्ली जैसी सरकारें सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ऐसा कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार उन्हें दे पा रही थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र को वैक्सीन की कमी के लिए दोषी ठहरा रही है। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो क्या दिल्ली को अपनी रक्षा के लिए अलग से हथियार खरीदने होंगे। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है, कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। वैक्सीन पर यह टकराव इतना बढ़ा कि राज्य सरकारों ने विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की सीधे कोशिश की, ग्लोबल टेंडर भी निकाले, लेकिन सारे टेंडर फेल हो गए और राज्य एक भी वैक्सीन लाने में नाकाम रहे। विपक्ष का केंद्र पर आरोप है कि उसने टीके को लेकर 6 महीने देरी से तैयारी की, जिनका हौसला सुप्रीम कोर्ट की टीके को लेकर की गई सख्त टिप्पणियों ने बढ़ा दिया। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की और केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया। कहा कि 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए पैसे देकर कोविड-19 के टीकाकरण की नीति मनमानी और तर्कहीन लगती है। टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं हो सकती। वो होना ही था क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो उस स्थिति में एक जगह से ही वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए थी और वितरण करने के बाद में काम वैक्सीनेशन का राज्य सरकारों को करना चाहिए था। ये होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पर ये तो मनमाना फेडरलिज्म चला। नहीं देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उन्होंने इस बात को एक बार से फिर साबित किया है कि वह देश के वास्तव में प्रधान सेवक हैं। और आज जब देश की जनता को टीका की जरूरत है और 18 वर्ष से लेके ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को जो टीका दिए जा रहे हैं वो टीका मुफ्त में सब लोगों को मिले, इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। फ्री वैक्सीन देने का फैसला यकीनन राज्यों के लिए राहत लेकर आएगा, इससे उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस ताजा फैसले से जनता को क्या फायदा होगा, क्या इससे वैक्सीन की किल्लत दूर की जा सकेगी। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।